गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ चटनी, हरे धनिया की चटनी किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये लहसुन लिया है, 6 कली लहसुन की है ये। पुदीना लिया है मैंने, ये करीब 3-4 वो हैं ये पुदीने की। और ये मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। ये मैंने 1 गड्डी धनिया लिया है जो भीन के साफ करके रख लिया है। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, ये काट के रख लिए मैंने 4 टुकड़ों में। ये मैंने नींबू लिया है, ये काला नमक है, ये 2 हरी मिर्च ली हैं। तो ये मैं इन सबको इसमें डालूंगी। तो ये बहुत ही अच्छी ये चटनी, ये देखिए, और उसके बहुत अच्छी लगती है, किसी के साथ खाएं आप। ये देखिए, इसमें मैंने ये 2 हरी मिर्च डाल दी हैं, ये नींबू हम बाद में बताएंगे, ये हमने काला नमक डाल दिया है, ये हमने इसमें धनिया डाल दिया है। तो और हम इसमें बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये देखिए, बस थोड़ा सा पानी डालें इसमें, बाकी टमाटर में हमारे में पानी है। तो मैं ये अब पीस के दिखाऊंगी आपको। ये अब हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ये देखिए, ये चटनी बन गई हमारी, ये देखिए। अब हम इसमें नींबू डालेंगे, और बहुत ही प्यारी चटनी बनी है हमारी, ये देखिए, ये हमने नींबू डाल दिया है इसमें, देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनी है ये हमारी। और ये चटनी बनाइए आप और मुझे बताइए आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको कमेंट कीजिए, और बहुत ही प्यारी चटनी बनाइए, एक बार ज़रूर बनाइए। चटनी आप किसी के साथ भी खा सकते हो, चिल्ले के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बिरयानी के साथ खाओ, रोटियों के साथ खाओ, किसी के साथ आप ये कोई भी सब्जी आपने बनाई है तो भी आप हर उसके साथ खा सकते हो ये। और मुझे बताएं कैसी बनी है, कैसा, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है ये, इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसमें। और एक बार बनाएं और कमेंट बॉक्स में डालें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये चटनी।